खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा के कैलाश अस्पताल की है, जहां बुधवार की देर रात जमकर हंगामा हुआ है। यहां अस्पताल के डॉक्टरों पर दिल्ली की एक महिला का प्रसव होने के बाद दो बार गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगा है। इसके चलते महिला और उसके नवजात शिशु को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है। महिला की हालत बिगड़ती देखकर परिवार के लोगों ने डॉक्टर से सवाल किया। यहां जब डॉक्टर ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो महिला के परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर प्रसूति एवं महिला रोग विभाग के HDO डॉक्टर उमा शर्मा मौके पर पहुंची। इसके बाद खुद डॉक्टर महेश शर्मा भी अस्पताल पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में न्यू अशोक नगर की रहने वाली एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर नोएडा के सेक्टर 27 स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि कैलाश अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है और उन्होंने गर्भवती महिला का गलत तरीके से ऑपरेशन किया है। इस मामले में परिजनों ने बताया कि जच्चा बच्चा की हालत नाजुक है और दोनों को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। परिजनों के मुताबिक करीब 8 दिन बाद बिना किसी को बताए डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर पर पहले गलत ऑपरेशन को सुधारने के लिए बिना बताए दोबारा ऑपरेशन करने का आरोप है, जिससे महिला और नवजात शिशु की हालत बिगड़ गई है और उन्हें अब वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। हंगामे के बाद गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा अस्पताल पहुंचे। वह जैसे ही अस्पताल पहुंचे वैसे ही पीड़ित महिला के परिवार की महिलाएं रोने लगी। यहां उनसे सवाल जवाब किए जाने लगे। इस दौरान सांसद के सिक्योरिटी गार्ड महिला के परिजनों को घेर कर खड़े थे। बाद में उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पीड़ित महिला के परिजनों को डराने धमकाने की कोशिश की। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं तो उन्हें जवाब देने से बचना नहीं चाहिए। उन्हें एक सांसद नहीं बल्कि अस्पताल के मालिक और एक डॉक्टर के तौर पर जवाब देना चाहिए। बाद में हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। इसके बाद नोएडा पुलिस अस्पताल पहुंची और पूरा मामला जाना। नोएडा से शिव त्यागी की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।